किसको पसंद है बाजरे की रोटी? कल भी शाम को भी बाजरे बाबूवादी का भी झाड़ लगाओ मुझसे तो सब क्या लगाओ। किसो देव ये जी सा तेरा ब्याह का मंडेड़ा सा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के टाइम हो गया है, उठ गए हैं, एमओ अपना फ्रेश फ्रेश हो गया है और आज सबसे जो मजेदार चीज़ है दिखाने वाली वो है बाहर का मौसम। मैं दिखाती हूँ सडनली इतना वेदर में चेंज कैसे हो सकता है। मैं तो खुद देख के शॉक थी, है ना। इसको ये देखो, ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। गुड़गांव का मौसम ऐसा, आप लोगों के यहाँ कैसा कैसा जरूर बताना। एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड, कैसे हल्की हल्की बारिश आई हुई है और इतनी ज़्यादा धुंध, और जैसे बिल्कुल ठंडी में होता है ना, बिल्कुल वही खुशबू मौसम की और वही धुंध हो रखी है। पता नहीं एकदम से इतना धुंध कैसे हो गई। कल तक तो बिल्कुल ऐसे गर्मी लग रही थी, रात को भी गर्मी लग रही थी और मैंने तो कपड़े भी धुल के सुखा रखे थे अभी, क्योंकि वो गीले थे उतारे, जो सूख गए थे वो अंदर कर दिए थे। तेज तो हवा चल रही है और भाई छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है मौसम। तो एमू के पापा भी आ चुके हैं उठ के, और ये ले रहे हैं अपनी सुबह सुबह की ड्रिंक, ये पी रहे हैं गर्म पानी और साथ में कुछ मिला मिला के पीते हैं। और एमू देखो कितना खुश हो रखा है इसके अलग ही मजे हो रखे हैं। एमू एमू जय जय करो बेटा, जय जय करो, जय जय नोजी का। एमू की नोजी अली हेयर आइज कहाँ है? देखो आइज बता दी, हेयर कहाँ? हेयर हाय हेयर बताओ। अरे गंदू बेबी हो गया अब तो। यहाँ पे आ गई है कॉफी अपनी और बिस्किट, और यहाँ देखो इसको अपनी शीट बोर्ड के साथ खेल रहा, यूज तो कर नहीं रहा, इसको टॉयज बना के खेल रहा है ऐसे भी यूज होने चाहिए, यूज हो रही ना। सुबह के अभी 9:45 हुए और मैं भी नहा के आ गई हूँ, जोत लगा दी है और अभी जो है एमी को नहलाऊंगी। आज पहले मैं इसलिए नहा ली क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने कहा बाद में इसको नहलाऊं क्योंकि जल्दी से सोएगा नहीं, ये सोने में लगा देगा 10:30 के करीब ये सोएगा, तो मुझे लगा पहले मैं नहा लेती हूँ। कितनी रोटी बनानी वो बता फटाफट। तो गाइस यहाँ पे जो है अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और किस किस को पसंद है बाजरे की रोटी? कल भी शाम को भी बाजरे की बनाए थे, अभी मेरा देवर बोल रहा है बाजरे की खानी है, इसको ज्यादा पसंद है। हिमाचल क्या याद रखेगा, 6 रोटी बाजरे की जो होना चाहिए। रोटी मतलब 6 दिन के लिए भाई तो जिले ही को नहीं इतना बैंक करो बाजरा भाई, कई आनो पसंद बोलते मेरे ससुराल की साइड तो कति जून में भी बाजरे की रोटी, भगवान ने सब देख के नहीं लगा, वो पागल खाने जाना पड़ेगा बाजरे की रोटी आ गया भाई, रात वाली सब्जी दही। अरे ये पूरे सीजन जब तक नहीं रहे जब छोड़ूंगी नहीं। यो के मना लाग रे, यो देव मना हो देव। जगान खातर घर ही सुत्या ही वे जदी तो सेहत खराब हो सै भाई ने गाजर मूली धर ले किम बर्फी बर्फी और टिक्की हो बर्फी तो छोड़ से देना, ये चूरमो बनाऊंगी देव तू उठाऊंगी जद आ के हलवो बनाऊंगी रखूंगी दोनों चीज एक चीज जन मत कोई सी पहुंचे। तो कौन कौन ऐसे देव उठाओ भाई बता दियो कमेंट करके। मेरी मौसी तो पर ऐसा है नहीं ना, बाबूवादी का भी झाड़ा लगाओ मौसी मौसी तो सब क्या लगाओ। तो गाइज यहाँ पे जो है ना सासू माँ ने ये रस्म करी है ससुराल में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो नहीं है वो, वहाँ पे है अभी, और मम्मी सारी रस्मों रिवाज ना इतनी प्यार प्रेम से करती हैं। और यहाँ पे पीछे बड़ी मम्मी बैठ के ना मम्मी को बोल रही है मैं यूट्यूब पे चला लेती हूँ वो कहानी सुन लेना, मम्मी कह रही है ना 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 मैंने सुन ली, मेरे को पता है कैसे क्या करना है। और मम्मी को सीरियसली हर एक चीज़ याद रहती है इस पॉइंट पे, मतलब सब जिनकी सासू माँ नहीं है ना वो अपनी सासू माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि हमारी जो एज है ना, मतलब हम जो बहुएँ हैं हमें ना इतना याद नहीं होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है कैसे करनी है।
तो ये ना मम्मी हर को पूरा प्रॉपर तरीके से हर फेस्टिवल सारी चीज़ें ऐसे याद रहती है कि इस पे ये करना, ये देव उठनी गैस जो बोलते हैं ना, सब ने मनाई भी होगी पर हर किसी के किसी का थोड़ा अलग तरीके से कर ले, किसी के ज़्यादा बनाते हैं। तो ये मम्मी यहाँ पे पूरा बनाने लग रही है और मम्मी ने फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं कर लूँगी, तो एक ही जगह कर लेंगे, उधर मैं कर दूँगी, क्योंकि अगर मेरे को बोलती भी तो भी मेरे से ना इतना नहीं हो पाता। और ये देखो यहाँ पे उन्होंने नीचे वो देवों का घर बना दिया, गणेश बप्पा बना दिया, और यहाँ पे ये दिया रख दिया है, फ्रूट रख दिए, फ्रूट में कोई भी रख सकते हो जो आपके घर पे अवेलेबल हो, मंगवा लेना। मिठाई वगैरह, मिठाई नहीं है तो पतासे रख दो, मतलब कुछ भी रख दो। तो ये रख दिए हैं और अब जो है ना इस पर मम्मी परात ढक देगी। ये मेरे ख्याल से हर घर में करी जावे है, मतलब ये जो देव उठनी गैस आती है हमारे में, पहले जब हम छोटे होते थे ना, मुझे बस थोड़ा बहुत याद है कि इसके नीचे कुछ रखते थे और फिर ऐसे थाली मार ऐसे हाथ मार के उठाते थे, इसके नीचे शायद दाने रखते थे, फिर उनकी कुछ चीज़ लेके आते थे, सिंघाड़े या शकरकंदी कुछ ऐसा होता था। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत याद है क्योंकि काफ़ी साल पहले करते थे ये चीज़, तब की याद है। और मेरे मायके की साइड अलग तरीके से थोड़ा करते हैं, ससुराल की साइड अलग तरीके से। परात मम्मी ने ढक दी, इसके ऊपर भी मम्मी सातिया बना देगी। और ये चीज़ें ये इतनी ज़रूरी होती है ना, हमें लगता है कि अरे यार क्या होता है क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता। हर चीज़ों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। और जो भी ये त्यौहार या कुछ भी फेस्टिवल वगैरह इस तरीके के आते हैं, जैसे अभी ये आया हुआ है, तो ये मम्मी ने वहाँ पे जब देवों को सुला दिया था और अभी जो है इनको उठा रही है मम्मी इस तरीके से थाली को पीट पीट कर। और वहाँ पे ना शूट करने वाला भी कोई नहीं था, मेरे को नहीं पता मम्मी ने किससे शूट करवाया, किसी नहीं, पहले वाले तो मेरे देवर ने ही कर दिया था, दूसरे वाले में शायद वो था नहीं। तो अब मम्मी देखो उठा रही है, शाम का टाइम हो गया था 6:30 का। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने जैसे देवों को उठाया ना, उसके बाद ऐसे दिया जलाया है। किस किस के घर में इस तरीके से करते हैं सेलिब्रेट, वो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके। तो अब मैं भी ये शायद पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे तो ये वाला किया नहीं था, पता नहीं लास्ट टाइम मम्मी ने किया था, सच बताऊँ मेरे को तो ध्यान भी नहीं है। और अभी देखो दिया जला दिया मम्मी ने, अब इनका क्या करेगी मेरे को भी नहीं पता वो आप भी देखते रहो आगे आगे वीडियो में। अच्छा, ये जो मम्मी ने चूरमा जो भी बनाया है वो मम्मी उसका जो है भोग लगा रही है। और ये भी कुछ मम्मी ये शायद क्या रख रही है ये पता नहीं, एक तो वीडियो थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, पर जो भी है चलो हमारी पूजा अच्छे से हो गई सारी चीज़ें। और मेरे को तो ये बोल तो रही थी कि बट मेरे से ना इतना हो नहीं पाता कि इस तरीके से करते हैं। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट व्लॉग अगले ट्रैवल पे तुमने ये दिखाना जरूरी है, मैं और दिखा रही हूँ तो नेक्स्ट ट्रैवल पे निकल रहे हैं हम लोग, किसके साथ निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं आप लोगों को आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और जो देव उठने का जो मम्मी ने मनाई, मैंने दिखाया किस तरीके से वो करते हैं, आप सब भी बताना आपके यहाँ पे किस किस तरीके से करते हैं। बाय बाय।